हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सीन कुछ ऐसा है जो आप सभी के लिए बिल्कुल नया है। आज की खास टेक्नोलॉजी को जानेंगे समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही प्रतीक्षित जानते हैं कि जो परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अंतिम रूप पूरा हो चुका है और कुछ ही दिनों के बाद भारत के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं और आम पब्लिक के लिए पूरी तरह से देखने के लिए और आने के लिए खोल दिया जाएगा द्वार। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जो तैयारी चल रही है बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। बड़ी युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और इसको सजाने और समारोह को लेकर अच्छी तैयारी हो रही है। तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि महादेव की नगरी जो काशी की नगरी विश्वनाथ है कि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर महादेव के प्रिय वृक्षों से सजाया जाएगा। भक्त देख धाम सकेंगे मनोरम दृश्य। इसके लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। किन किन वृक्षों से महादेव की नगरी और मंदिर को और पूरे कॉरिडोर को सजाया जाएगा उसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। आपसे वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसी ढंग से वाराणसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब उस विषय में बात करते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर महादेव के प्रिय वृक्षों से सजाया जाएगा। हाँ, भक्त देख सकेंगे मनोरम दृश्य। उसके विषय में बातचीत करते हैं देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में सच कर तैयार हो रहे काशी विश्वनाथ धाम में पहुँचने वाले भक्त वहाँ के मनोरम दृश्यों से अदृश्य परिकल्पना में खो जाएंगे। गंगा से काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच में शिव का वन भी विकसित किया जा रहा है, यानी कि वन वृक्षों को लगाया जाएगा। भक्तों के इस अनूठे आनंद कानन में शिव के प्रिय वृक्षों की श्रृंखला चुनार के लाल पत्थरों के बीच हरियाली बिखेरेंगे। गंगा धार से विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने से पहले भक्तों को इस वन क्षेत्र से ही होकर गुजरना होगा। ऐसी तैयारी चल रही है। बाबा विश्वनाथ धाम में लगेंगे ये पेड़ पौधे। किस किस तरह के पौधे लगेंगे तो बातचीत करते हैं। काशी विश्वनाथ धाम में शिव के आनंद शिव के कानन आनंद भी भक्तों को रिझाएगा। गंगा से मंदिर के बीच दोनों मंदिर के तरफ रुद्राक्ष परिजात अशोक बेल और अर्जुन के वृक्षों की श्रृंखला इस वन क्षेत्र की खूबसूरती बढ़ाएंगे। इसके साथ ही हर श्रृंगार के साथ श्वेत धवल फूलों की भीनी भीनी सुगंध माहौल को रमणीय करेगी। गमलों में बेला कनेर एवं मदार धतुरा के पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके लिए कॉरिडोर निर्माण के दौरान ही पेड़ पौधे लगाने की व्यवस्था कर ली गई है। पेड़ पौधे लगाने के लिए किए पौधे खास इंतजाम। तो चलिए कौन सा खास इंतजाम है इसके विषय में हम लोग एक फोकस डालते हैं, बातचीत करते हैं। तो मुख्य परिसर से लेकर मंदिर चौक और गंगा छोर तक पथरीली जमीन में 4 फीट व्यास के गड्ढे बनाए गए हैं। ये सीधे मिट्टी के संपर्क में है। इनमें पाइप लगाकर भीतर ही हवा पानी का इंतजाम किया गया है। इन गड्ढों में 6 से 15 फीट तक के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और इनकी संख्या लगभग 70 होगी। इसकी जिम्मेदारी कॉरिडोर का निर्माण कर रही कंपनी को दी गई है। पौधों को लगाने का काम इसी सप्ताह में सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा और गंगा की लहरों पर निखरेगी अनुपम छटा। कौन सी छटा निखरेगी गंगा की लहरों पर चले बातचीत करते हैं। तो काशी विश्वनाथ धाम में लगाए गए फ्लास्ट लाइट को पूरे परिसर में खास तरह से लगाया गया है। इसमें शाम होने के बाद पूरा धाम रंगीन रोशनी से नहाया हुआ प्रतीत होगा। इसके साथ ही भक्तों को भी दूर से ही यह अलग एहसास कराएगा। धाम के प्रतिबिंब की अनुपम छटा गंगा की लहरों पर ही भी निखरेगी। इसके साथ ही धाम परिसर में जगह जगह लगाए गए एलईडी से काशी विश्वनाथ का प्रतीक्षण दर्शन श्रद्धालु करते रहेंगे। तो इस ढंग से बाबा की जो नगरी काशी जो वाराणसी है उसको पूरी तरह से विभिन्न तरह के पेड़ पौधों से वृक्षों से सजाया जाएगा और लाइटों से सजाया जाएगा। इस ढंग से बहुत ही भव्य तैयारी हो चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे। तो इसकी भी समय आपको एक नई जानकारी मिली है। वीडियो कैसा लगा उन्हें बताइएगा। अच्छी ढंग से वाराणसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक को शेयर कीजिएगा जिससे लोगों को एक नई जानकारी मिलेगी। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय